नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 7 सितंबर और जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त से 6 सितंबर तक बढ़ाया गया था। तो आगे हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या अभी भी लॉकडाउन जारी है या फिर क्या बंद है, क्या खुला है, सारा चीज़ आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप कहां कहां जा सकते हैं, आपके लिए स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तरफ से एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए बिहार में अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार को ख़त्म हो गई। आपको बिहार में जो लॉकडाउन लगाया गया था 6 सितंबर तक, वो रविवार को ख़त्म हो चुकी है। अब बिहार में कोई भी लॉकडाउन आगे नहीं है। आपके ऊपर जितने भी बंदिशें लगाई गई थी सारी वो ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में 7 सितंबर से पूरे राज्य में लॉकडाउन हट गया। कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे राज्य से पाबंदियाँ हट गई। केंद्र सरकार की इजाज़त के बिना अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। तो अब बिहार में भी अनलॉक 4 का वही आदेश लागू हो गया जिसे केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार का आदेश स्वतः लागू हो गया है। इससे पहले भी यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकारें अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो इस लॉकडाउन में आपको सरकार के किस गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, इसे आप आगे जानेंगे। तो सबसे पहला गाइडलाइंस, केंद्र सरकार की तरफ से जारी SOP का पालन करना होगा। वहीं दूसरा है, 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्यों या राज्य के भीतर व्यक्तियों के आने जाने या सामान लाने जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार में 21 सितंबर से अधिकतम 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक के रहने वाले छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए छात्रों के अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर अभी बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे। 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल को 50% शैक्षणिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे। तो आई होप अब आपको लॉकडाउन से जुड़े गाइडलाइंस का इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। तो इसी तरह बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।